नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ ये कलकत्ता में, इसको कठहली सूल बोले जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बोले जाता है, पहचान जाता है, ये फनोज भी बोले जाता है। तो आज इससे मैं मसाला फनोज बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, और सबसे पहले मेरे पास तो ये सरसों का तेल है, और ये है धना जीरा पेस्ट, और ये मसाला है थोड़ा, और नमक है, हल्दी, जीरा, आधा चम्मच शक्कर है, और अदरक लहसुन पेस्ट है, दो पत्ता है, बस ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इस पर। मैं अभी सब्जी बनाने का चालू करता हूँ। सबसे पहले इसमें राई का तेल, सरसों का तेल डालेगा तो सबसे अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकता है मेरा ये जो तेल है, तेल थोड़ा गर्म हो गया है। अभी मेरे पास दो तेज़पत्ता है, तो इसको मैं बीच में से तोड़ देता हूँ, तो चार हिस्सा हो जाएगा। अभी सब पत्ता गर्म हो गया, अभी मेरे को थोड़ा जीरा डालने का है, उसके बाद डालने का ये गरम मसाला, उसका बाद डालने का ये मेरा पास अदरक लहसुन पेस्ट है, ये मेरे पास कांदा है, मैं इसमें से डेढ़ चम्मच प्याज पेस्ट दिया है, और मैंने ऐसे मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे मैं ऐसे फनस काटा है, पौने किलो का था, तो मैंने सबसे पहले कटिंग करके इसको दो सीटी मार के धो के रखा है, क्योंकि थोड़ा नरम हो गया है। आप लोग देख सकता है कितना अच्छे से पहले नरम हो गया है, क्योंकि वो मेरे फेल कुकर में सीटी लगाने जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए आप लोग को उतना इंतज़ार नहीं करने का है। इसके लिए मैं सीटी मार के रखा है, तो सीटी मारा है वो। और अभी मेरे को डालने का है ये जो धना और जीरा पेस्ट है, बस एक ही स्पून डाला है मैंने, मैंने गैस लो फ्लेम में रखा है, हाँ आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मसाला गोल्डन कलर हो चुका है। अभी मेरे को ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये थोड़ा डालने का है, क्योंकि अच्छा कलर आएगा, और उसके बाद मेरे को डालने का है ये मेरा पास आधा चम्मच शक्कर है। शक्कर ऐसा चीज़ है जो आप किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता मीठा, तो आपको जैसे डालने का डाल सकता है। अभी सबसे पहले मेरे को तो ये सब्जी डालने का है, अभी मेरे को ये नमक डालने का है, लगभग मेरा सब मसाला डाल चुका है, अभी अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर कलकत्ता में ऐसे ही बनाया जाता है गांव में, तो मैं गांव का स्टाइल में बना रहा है। अब
आप लोग देखा है मसाला और सब्जी में बहुत अच्छा से मिल चुका है। अभी देखो मैं इसमें पानी जितना चाहिए उतना ही डालेगा, क्योंकि मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि मैं गर्म करके और मेरा सब्जी तो मैं दूध सीटी से गला के रखा है, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप लोग देखता है देख सकता है शायद, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को भरपूर कलर दिखाने के लिए, इतना मस्त कलर आया है। बस अभी और पानी का ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को कम से कम पाँच से दस मिनट तक मेरे को ढक के थोड़ा लो फ्लेम में रखना पड़ेगा। अभी आपको बोला था मैं पाँच से दस मिनट लगेगा, मेरा देखो तैयार हो गया शायद, अभी आप लोग देख सकता है मैं तो बोला था पाँच से दस मिनट, हाँ बराबर देखो गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं साइड में लेके आप लोग को मैं दिखा रहा है। देखिए अभी मैं चूल्हा ऑफ कर देता हूँ, रेडी हो गया मेरा ये सब्जी। ये देखिए मेरा कटहल इसोर रेडी है, और मेरा जैसे आप लोग बनाइए खाइए, और मेरा कटहल इसोर कैसा लगता है मेरे को शेयर कीजिए, और मेरा सब्जी अच्छा लगेगा तो मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।